स्टूडेंट्स, टुडे वी विल बी डूइंग द लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर, दैट इज द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. मोमेंटम क्या है हमने पढ़ा, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, दैट इज मोमेंटम. ओके, नाउ टुडे वी विल स्टार्ट विद हाउ द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम टेक्स प्लेस, एंड दिस इज अ डेरिवेशन. यू हैव टू राइट इट ऑल्सो इन द नोटबुक, एंड यू हैव टू ऑल्सो लर्न बाई इट. तो एग्जाम में 3 मार्क में आते हैं क्वेश्चन इसके रिलेटेड. क्लियर? सो पहला देखते हैं, एक पूरा एग्जाम्पल के थ्रू समझाया है उसको, स्टार्ट करते हैं. ठीक है, सो फर्स्ट टू बॉल्स वी हैव टू टेक. ठीक है, बॉल ए एंड बॉल बी, दो बॉल ले ली. ठीक है, बॉल ए का मास एम ए है. ठीक है, और बॉल बी का मास एम बी है. ठीक है, और बॉल ए अभी जैसे कि मान लो कि मूव कर रहा है, तो उसका इनिशियल वेलोसिटी यू ए है. ठीक है, बॉल को थोड़ा सा मूवमेंट है, स्टार्टिंग मूवमेंट है, इसलिए इनिशियल वेलोसिटी. तो बॉल ए की इनिशियल वेलोसिटी यू ए, बॉल बी की इनिशियल वेलोसिटी यू बी. क्लियर? नाउ व्हाट हैपन आफ्टर सम टाइम, दोनों ही बॉल एक दूसरे से कोलाइड हो जाते हैं. ठीक है, टकरा जाएंगे. ठीक है, अब देखोगे सो दोनों ही बॉल एक दूसरे से टकरा गए हैं. सो ड्यूरिंग कोलिजन क्या होगा, बॉल ए बॉल बी पे फोर्स लगाएगा, तो उस फोर्स को कहेंगे फोर्स ए बाय ऑन बी. ठीक है, ए बी पे लगा रहा है, सो ए बी लिखेंगे, फोर्स बाय ए ऑन बी. ठीक है, सेम टाइम पे बी भी, जैसे थर्ड लॉ ऑफ मोशन पढ़ा ना, जितना फोर्स इससे इसको लगेगा उतना ही इक्वल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में इसको लगाएगा. ठीक है, सो सेम फोर्स बी भी ए के ऊपर अप्लाई करेगा. ठीक है, सो फोर्स बाय बी ऑन ए, तो उस टाइम में फोर्स का क्या लिखेंगे, एफ बी ए, स्मॉल लेटर्स में लिखना है, एफ कैपिटल बी ए स्मॉल लिखना है. अंडरस्टूड? सो ड्यूरिंग कोलिजन क्या होगा, कोलिजन का एक टाइम होगा, दैट इज टी. ओके, तो बॉल ए एग्जर्ट करेगा फोर्स बॉल बी पे, और सेम टाइम में बॉल बी भी एग्जर्ट करता है फोर्स, दोनों. तो दोनों ही एक दूसरे से फिर अलग होके चलने लगते हैं. तो जब ये लोग वापस से अलग होके चलने लगते हैं, उस टाइम पे क्या होगा, वेलोसिटी चेंज हो जाएगी. इनिशियल यू थी, अब वेलोसिटी चेंज हो गई, यानी वो फाइनल वेलोसिटी हो गई. सो फाइनल वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन जो होगी, मास ए की यानी बॉल ए की बी ए होगी, और बॉल बी की वी बी होगी. क्लियर? अंडरस्टूड? एज द वेलोसिटी चेंजेस, तो इनिशियल यू आ गई और फाइनल वी आ गई. क्लियर? अंडरस्टूड? अब हमें मोमेंटम का इक्वेशन लिखना है. तो इक्वेशन ऑफ मोमेंटम में अगर बॉल वन का हम देखते हैं, बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन, तो बिफोर कोलिजन क्या होगा मोमेंटम, एम ए यू ए. ठीक है, ओके, इनिशियल वेलोसिटी. ऐसा ही बॉल बी का भी होगा, अगर बॉल बी की आप अगर इनिशियल वेलोसिटी लिखते हो, तो वो आएगी, ना लिख देते, बॉल बी की लिखोगे आप यहाँ पे पी बी ऐसे इनिशियल वेलोसिटी, तो एम बी यू बी. फाइनल वेलोसिटी जो है उसकी, ये टकराने के बाद तो ये हो गई है, तो उस टाइम पे उसकी फाइनल वेलोसिटी आएगी एम बी वी बी, इस तरह से. ठीक है, अब क्या होगा, दोनों ही, अब क्या पहले मोमेंटम ऐसा था, अब दूसरा हो गया है. ठीक है, टकरा गए हैं, दोनों की स्पीड्स में चेंज आ गया, तो चेंज इन मोमेंटम हो गया. ठीक है, तो चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम होता है. ठीक है, तो फाइनल मोमेंटम हमारा क्या है, पी ए एम ए वी ए. ठीक है, एम ए वी ए सॉरी, और इनिशियल मोमेंटम क्या है हमारा, एम ए यू ए, जिसमें एम ए कॉमन है ले लिया, और इधर वी ए माइनस यू ए बचा. तो ऐसा ही हमको यहाँ पर अगर हम चेंज इन मोमेंटम करेंगे, तो हमें यहाँ मिलेगा एम बी ब्रैकेट में वी बी माइनस यू बी. ओके, सेम मिलेगा इस तरह से, यहाँ पे जो बी ए है वो बी हो जाएगा. तो ये हमारा चेंज इन मोमेंटम बॉल बी का है और ये बॉल ए का है. अंडरस्टूड? नाउ रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, अब जब ये मोमेंटम में चेंज आ रहा था, तब एक टाइम पीरियड भी था. ठीक है, अगर तो उस पर फोर्स लगता था. सो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम हम देखते हैं बॉल ए का, दैट इज एफ ए बी ड्यूरिंग कोलिजन. ये हमारा फोर्स बनता है. ठीक है, द फोर्स एक्सर्टेड एट बॉल ए ऑन बी, दैट इज दिस मच अपॉन टाइम. जो हमको चेंज इन मोमेंटम मिला, उसको नीचे डिवाइड बाई टाइम करना है. हमें पढ़ा था सेकेंड लॉ में, द चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम विल गिव यू द फोर्स ऑफ द ऑब्जेक्ट. ठीक है, एंड द सेम फॉर द बॉल बी, द बॉल एक्सर्ट बी बॉल एक्सर्ट अ फोर्स ऑन बॉल ए, सो दैट द चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, दैट इज एम बी इज इक्वल्स टू एम बी इन टू द ब्रैकेट ऑफ वी बी माइनस यू बी अपॉन टी. ये हमारा बॉल ए का और ये बॉल बी का फोर्स मिल गया. ठीक है, अब क्या करना है, फोर्स एक्सर्टेड बाई फोर, अब क्या है कि जो फोर्स एक्सर्ट एफ बी ए ने किया है ए बी पे, दैट इज इक्वल बट इन अपोजिट डायरेक्शन. जस्ट यू कैन सी कि आप ये फोर्स इसके इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो इस पे जो फोर्स लग रहा है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है. ठीक है, तो ये अपोजिट डायरेक्शन में, इससे इक्वल है बट किसे है, अपोजिट डायरेक्शन में. सो फोर्स इज इक्वल
दोनों ही फोर्स इक्वल है बट कैसे अपोजिट डायरेक्शन में, सो साइन किसका आएगा, माइनस का आएगा. ओके क्लियर. सो हमने यहाँ पे एफ ए बी जो लिखा था वो क्या लिखा था, एम ए वी ए अपॉन टी, ठीक है. और माइनस एफ बी ए में तो माइनस का साइन लग जाएगा, और एम बी वी बी माइनस टी, ये इक्वेशन को हमको इधर लिख देना है, ठीक है. अब इसमें क्या होगा, टी और टी कैंसिल हो जाएंगे, कॉमन है, ठीक, और कुछ कैंसिल होगा नहीं. आप ये ब्रैकेट को खोल दोगे तो एम ए इंटू वी ए होगा माइनस एम ए इंटू यू ए आएगा, एम बी इंटू वी बी माइनस का साइन इसके साथ जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो एम बी यू बी हो जाएगा, ठीक है. अब सिर्फ क्या करना है, शफलिंग करना है, ठीक है. ये माइनस एम बी वी बी को इस तरफ लोगे तो प्लस आ जाएगा, तो एम ए वी ए प्लस एम बी वी बी, यानी दोनों की फाइनल वेलोसिटी साथ में आ गई. और वैसे ही एम ए माइनस एम ए यू ए को इधर लोगे तो प्लस हो जाएगा, तो एम बी यू बी प्लस एम ए यू ए. नाउ दिस इज योर इक्वेशन ऑफ टोटल कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है. कोई भी दो चीज़ों का जो भी कोलिजन होता है अगर, तो जो मोमेंटम है वो बिफोर एंड आफ्टर सेम ही रहता है. ओके, दैट इज कॉल्ड द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन गोइंग टू रिमेन द सेम. क्लियर. अधिक स्टूडेंट यू अंडरस्टूड द टॉपिक. ओके, ये डेरिवेशन पूरा आपको इसी तरह से नोटबुक में भी लिखना है, ये सारे सेंटेंसेस भी लिखने हैं, और ये सारे स्टेप्स भी आपको करके बताने हैं. दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू कम्प्लीट विद द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. आगे जो सम्स हैं वो सारे इसी बेस्ड पे आएंगे, ठीक है. तो आपको ये सब चीज़ क्लियर हो जाना चाहिए. अगर कोई डाउट है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में, यू कैन आस्क मी. यू हैव टू ड्रॉ दिस डायग्राम लाइक दिस वे, एवरी स्टेप्स ऑफ इट. ओके, हेडिंग दे दो और ये सब एक्सप्लेनेशन सारा लिखना है आपको टेक्स्ट बुक में, बहुत सब, इसलिए मैंने थोड़ा शॉर्ट में लिख दिया है. इससे और शॉर्ट भी कर सकते हैं, बट राइट नाउ यू हैव टू राइट दिस मच. ओके, और इसके बाद इसका एक लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. सी, तो जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है वो ये, द सम ऑफ मोमेंटा, मोमेंटा इज अ प्लूरल वर्ड ऑफ मोमेंटम. ओके, द सम ऑफ मोमेंटा ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन इज इक्वल टू द सम ऑफ द मोमेंटा आफ्टर कोलिजन, प्रोवाइडेड हियर देर इज नो एक्सटर्नल बैलेंस फोर्स एक्टिंग ऑन देम. दिस इज नोन एज कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. इसका मतलब कोई भी दो बॉल है या कोई भी चीज़ है जिसका बिफोर टकराने से पहले का जो मोमेंटम है वो, और टकराने के बाद का जो मोमेंटम है वो, दोनों ही अपने आप से है, ठीक है, इक्वल एंड अपोजिट है. बट ऐसा नहीं कि उसके ऊपर किसी ने फोर्स एक्ट किया, किसी ने धक्का मारा या किसी ने वो चीज़ को करवाई दी. इट इज़ हैपनिंग बाय इट्सेल्फ. क्लियर, अंडरस्टूड. दिस इज कॉल्ड द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. ये पूरा आपको याद रखना है. इस चीज़, इस चैप्टर में आपको तीन चार चीज़ें बहुत अच्छे से याद रखनी है. तीनों लॉ याद करने हैं न्यूटन्स के, न्यूटन्स थ्री लॉज ऑफ मोशन, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, एंड द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड द ये डेरिवेशन, ठीक है. और उसके बाद मैथ्स मैथमेटिकल डेरिवेशन ऑफ सेकेंड लॉ, वो भी आपको याद रखना है. ठीक है, अंडरस्टूड. ओके, नाउ विल बी स्टार्टिंग विद द एग्जाम्पल्स ऑफ दिस चैप्टर्स. ठीक है, ओके, गुड बाय.